ये, अरे ये काला टीका आपके लिए नहीं है, उसके लिए है जिसकी किस्मत इतनी अच्छी रही शुरू से कि वो किंग खान बन गए। जी हाँ, शाहरुख खान। अभी उच्ची पारो और एक बार फिर से आपके सामने चटपटी बॉलीवुड मसालेदार खबर लेके आई हूँ। शाहरुख खान की फौजी नो डाउट आप सभी ने देखी होगी और तार परे उन्होंने किया उम्मीद, जो सीरियल विकास देसाई के डायरेक्शन में बनी, साथ में कुंदन शाह भी थे। इसके बाद कुंदन शाह और विकास देसाई के साथ ही मिलकर फिर सर्कस भी बनी, जो टीवी सीरियल बहुत ही फेमस रही। शाहरुख खान ने उस पर भी काम किया। उसी समय कुंदन शाह की नज़र पड़ी शाहरुख खान पर। शाहरुख खान एक्टिंग कितना अच्छा करते हैं ये तो सबको पता है, ठीक है, किंतु एटार आगे हो वो एत भलो एक्टिंग कर चिलो कि कुंदन शाह ओटा भाव लो कि ये एक्टर जो है अपने चेहरे से इतना इम्प्रेसिव है तो ये लड़का ज़रूर कुछ करेगा। तारपुर शाहरुख खान, अजीज मिर्जा और कुंदन शाह डायरेक्शन में बनी दूसरी सीरियल सर्कस में बहुत कमाल काम कर रहे थे, मगर जब एक दूसरा सीरियल आया जो 1984 पर बेस्ड थी, उसका नाम था दूसरा केबल। इसमें कुंदन शाह ने शाहरुख खान की एक्टिंग देख लो, शाहरुख खान देखे ओतो इम्प्रेस हुए छे कि वो बोल लो, वो बोले कि जो लड़का अपने चेहरे से इतना एक्सप्रेसिव है तो ये क्या नहीं कर सकता। दूसरा केबल देखने के बाद कुंदन शाह ने शाहरुख को मिलने के लिए बुलाया। तोहन शाहरुख टीवी से निकलकर फिल्म स्टार बन चुके थे। उन्होंने अजीज मिर्जा की राजू बन गया जेंटलमैन साइन किया। वो फिल्म अच्छी खासी चली और वो फेमस हो गए। तोहन जोहन शाहरुख खान कुंदन शाह साथे मिलमिलाप कर लो, तब कुंदन शाह ने बोला वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। शाहरुख खान तुरंत राजी हो गए कि मुझे देखना है। कुंदन शाह बोल लो कि स्क्रिप्ट पूरो होए नहीं। शाहरुख खान बोल लो नो इशू, आमी पूरा स्क्रिप्ट पढ़ने वो। शाहरुख ने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, लेकिन कुंदन शाह की एक शर्त थी। उन्होंने कहा आमी तुम्हारे स्क्रिप्ट तोबे देवो अगर तुम दूसरे दिन यानी कि अगली सुबह आके तुरंत मुझे स्क्रिप्ट थमा दो। शाहरुख ने पूरी रात को एक स्क्रिप्ट पढ़ी एक फिल्म की, वो थी कभी हाँ कभी ना। और उस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद शाहरुख ने कहा मैं ये फिल्म करूँगा। जहाँ शाहरुख के पास फिल्मों की बौछार हो रही थी, वहीं कभी हाँ कभी ना की शूटिंग ही शुरू नहीं हो रही थी। इसी बीच शाहरुख खान ने हेमा मालिनी की दिल आशना साइन कर ली और इसके बाद राकेश रोशन की करण अर्जुन और इसी के जैसे 5-6 और फिल्में उन्होंने साइन कर ली। तो इसी बीच जो कभी हाँ कभी ना के प्रोड्यूसर थे उनकी हालत बिगड़ने लगी। उनको लगा कि एखन शाहरुख खान ये सिनेमाटा करबे ना, किंतु तखन ही कुंदन शाह शाहरुख से मिलने आए, जहाँ पर मुहूर्त था दीवाना का। दीवाना के लिए पहला शॉट देने के लिए शाहरुख खान निजे रूम थेके बेरिए आसलो। तखन देखते पालो कि कुंदन शाह ओखाने दाड़िये आछे। कुंदन शाह ने सारी प्रॉब्लम बताई तो शाहरुख ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कंसेंट लेटर साइन करना है, तो उन्होंने साइन करवा लिया। और शाहरुख ने कैसे साइन किया, ओखाने किछो छिलो ना, यानी कि टेबल पेन किछो छिलो ना। और दोनों शाहरुख नीचे बैठ गए और जमीन पर बैठ कर कभी हाँ कभी ना का कंसेंट लेटर उन्होंने साइन किया और भरोसा दिलाया कि आमी ही करबो कभी हाँ कभी ना। इसके बाद कुंदन शाह ने उनको इस साइन के बदले 5,000 रुपये दिए। और इंटरेस्टिंग बात ये रही कि शाहरुख खान पूरा सिनेमा जुन्नो कभी हाँ कभी ना के सिनेमा जुन्नो ओ पे छिलो 25,000 रुपये। देखे चन शाहरुख खान किस्मत शुरू थे के ही खूब भालो थे कि छिलो, एटा तो भारी गंडकुल हो गेलो। इसके बाद कुंदन शाह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि कभी हाँ कभी ना की फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई थी, इसके बावजूद डर और बाजीगर उनकी पहले रिलीज़ हुई और जो पहली फिल्में हमने आपको गिनाई वो सारी हिट हो गई, रिलीज़ हो गई, सब लोगों ने पसंद कर लिया, लेकिन कभी हाँ कभी ना के लिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था। दरअसल शाहरुख की फिल्में तो सुपरहिट हो रही थी, लेकिन उनका नाम अभी भी उस मुकाम पर नहीं पहुँचा कि थिएटर्स में लोग शाहरुख के नाम पर आए और फिल्म देखे, तो डिस्ट्रीब्यूटर डर रहे थे। इसके बाद शाहरुख खान की कर लो प्रोड्यूसर विजय गिलानी साथे मिलमिलाप कर लो और साथे एक प्लान बना लो कि किरकम एटाते आमरा वर्क करते पारी। तारपरे बातचीत होवार परे विजय और शाहरुख के साथ वीनस फिल्म्स ने पार्टनरशिप में कभी हाँ कभी ना के बॉम्बे टेरिटरी के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे। तब जाकर 25 फरवरी 1994 फिल्म का रिलीज हुए छे। ये फिल्म कभी हाँ कभी ना ऐसे
कहानी थी जहां पर एक सितारा जो टीवी से डायरेक्ट एक सिनेमा 70 mm के थिएटर में पहुंचा है और किस तरह से वो इंटरनेशनल किंग बन गया जो है शाहरुख खान। तो शाहरुख खैर कभी हाँ कभी ना रिलीज हो लो, बड़े ही मुश्किल से डिस्ट्रीब्यूटर मिला, सब कुछ हुआ। कभी हाँ कभी ना हैदराबाद में रिलीज करने के लिए मन बनाया, वहाँ पे नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग थे, कैसे समझते, तो क्या हुआ वहाँ पे कुंदन और शाहरुख खान और बहुत सारे लोग पहुँचे, वहाँ पर स्क्रीनिंग हो रही थी, इसी बीच रुकवा दी गई 10-15 मिनट के लिए शाहरुख और बाकी लोग शुभ किच्छु बुझा लो ना के तारपुरे शोभाई बोशे सिनेमाटा देख लो। कभी हाँ कभी ना के लिए शाहरुख खुद जुड़े थे इसके प्रमोशन के लिए, उनके दिल के करीब थे ये मूवी, इसीलिए इसके बाद शाहरुख खान ने मुंबई के गैटी सिनेमा में भी बैठ कर निजे ही ऑटोग्राफ दिए छे, वो टिकट काउंटारे बसे छिलो, टिकट काउंटारे बसे सबाई के टिकट दिच्छिलो, साथ ही वो साइन भी कर रहे थे यानी कि ऑटोग्राफ भी दे रहे थे, यानी कि कभी हाँ कभी ना अब आप समझ जाइए कि शाहरुख खैर मोनेर खूब काचे और जन्नो एटर प्रमोशनर जन्नो जी जान लगा दिया शाहरुख खान ने। भले ही उनकी बहुत सारी मूवीज रिलीज हो गई थी, वो स्टार बन गए थे, उनकी फिल्में सुपरहिट हो रही थी, लेकिन कभी हाँ कभी ना के लिए उन्होंने जमीन पर बैठ के साइन किया, इसके बाद उसके प्रमोशन में भी दिल जान अपना लगाया। शाहरुख खान ने गोलपटा खूब भालो लगलो ना अपना, शाहरुख खान ऐसे ही है, पूरे दिल जान लगा कर उन्होंने कभी हाँ कभी ना की जो शूटिंग थी वो पूरी की, इसके बाद स्क्रिप्ट आधी लिखी थी उसमें भी उसने कोई भी घपला नहीं किया, जमीन पर बैठ के वो साइन कर लो, तारपुरे एटर प्रमोशन ने जन्नो की ना कर लो। शाहरुख खान शाहरुख खानी कैमन लगलो अपना रे गोलपटा हमारे के कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए, और इसके अलावा पिक्चर पारो आरो गल्प जानवर जन्नो अपना देखते थकून पिक्चर पारो, ঠিক আছে এখন আমি যাই টাটা। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।